ठीक है, इसमें हम लोगों को प्रूफ करना है कि साइन टू द सिक्स थीटा प्लस कॉस टू द सिक्स थीटा इक्वल टू वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे एलएचएस से, है ना, इसको सबसे पहले कॉपी कर लेंगे, टेकिंग एलएचएस साइन पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस पावर सिक्स थीटा इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, है ना, क्योंकि थ्री टू जा सिक्स, पावर कितनी है, सिक्स है यहाँ पे, है ना, पावर दिख रहा है ना, सिक्स ही आ रही है, ठीक है। उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर क्यूब, है ना, थीटा, इतना समझ में आया। अब डायरेक्ट अगर इसमें क्या लगाते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला देख लेंगे, क्या ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, सिद्धार्थ बताओ। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, a प्लस b, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन किसमें है, a क्यूब और प्लस b क्यूब में, ठीक है। तो हमें a क्यूब b क्यूब ये लिखा हुआ है, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, है ना, इस पूरी वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी इक्वल टू क्या बचा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब बी क्यूब की के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, हमने उसकी वैल्यू निकाली फॉर्मूले से, yes, ठीक है। अब इसमें पुट अप कर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं यहाँ पे, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नैन्सी समझ में आ रहा, ए की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर और बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है, माइनस, है ना, थ्री, ठीक है, क्या हो जाएगा थ्री। अब ए की जगह क्या है, ए की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। फिर क्या है प्लस ए बी, एक जगह फिर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट यहां पे लगा दो, ठीक है, जगह नहीं बची यहां पे, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, यहां मल्टीप्लाई का रिलेशन है, है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, वन का अगर क्यूब करते हैं आंसर क्या आएगा, वन ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी, वन, वन का क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा वन, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर से क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, ठीक है। तो यहाँ पे वन इंटू कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारा प्रूफ हो गया वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया हमारा आर एच एस, ठीक है, आर एच एस, यही प्रूफ करना, ओके।